नीचे कर क्या होली बना दिखाई क्या बारह थोड़ी टोपी ऊपर करो अब दिखाओ ये राउडी से अपने नितिन के पावर का राज बताते हैं हम नितिन क्या खाता है चल तगड़ा ले लो एक दो नितिन सुमसान खाने खाता है तो हाँ जी राम राम क्या हाल चाल कैसे हो आप सब आई होप मेरे छोटे बड़े भाई सभी अच्छे होंगे तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने चैनल और एक नई वीडियो में तो भाई सो के उठ चुका हूँ और शाम को सो के उठे टाइम हो रहा है भी अपना 7:47 मतलब ऑलमोस्ट 7:50 तो सुबह अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई थी लेग्स का सेशन करा मैंने अपने कॉर्ड्स मसल करी देन अब दोबारा जा रहा हूँ मैं आज दिल्ली टाइगर भाई के पास बहुत टाइम हो गया आप लोगों की भी बहुत डिमांड थी मतलब जब अपना कॉम्पिटिशन खत्म हुआ है लास्ट अपना 6 जनवरी को 6 जनवरी सर आज टाइम हो गया हमारा 12 जनवरी तो आज जा रहे हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट पूरे महीना सवा महीना हो गया और आप लोगों की भी डिमांड थी कि भाई एक बार जिम में जाओ बातचीत करो तो कल टाइगर भाई की खुद की कॉल आ गई कि नितिन एक बार जिम पे आ वो नया जिम बन रहा है हमारा तो उसके लिए कुछ बात करनी है और एक वीडियो भी बना लेंगे साथ में भाई के जो ऑडियंस है मतलब ऑडियंस तो हमारी सबकी यही की है तो उनकी भी डिमांड आ रही थी वीडियो की तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं और मैंने अपनी एक वीडियो में एक चीज़ बोली थी एक सत्तू से रिलेटेड तो मेरे बहुत से भाई बोल रहे हैं भाई आपके पास जो स्क्रीन शॉट्स हैं आप उन्हें शेयर करो मैं आपको भी अपने फ़ोन में दिखाऊंगा लास्ट में वीडियो में या फिर टीम से डिस्कस करके पूरा करेंगे और मैं यही बोलना चाहूँगा भाई आप लोगों को सत्तू और वे प्रोटीन में और आइसो में तीनों में बहुत फ़र्क है सत्तू आपको फिट रखने में आपकी हेल्प करेगा बट अगर आप लोग सोच रहे हो उससे आपकी बॉडी बनेगी वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ठीक है जी और एक चीज़ और मैंने इस बारे में पढ़ी थी वो चीज़ मैंने ओपनली इसलिए नहीं बोली शायद मैं उसमें गलत भी हो सकता हूँ चीज़ वो थी कि चने और दूध को हम मिक्स नहीं कर सकते अगर आप उसे मिक्स करोगे तो पेट में आपके इन्फेक्शन होना बिल्कुल तय है ठीक है ज़्यादा खाने पीने से और मैं ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में पढ़ता नहीं हूँ आज से 3 या 4 याद है मुझे 3 या 4 साल पहले एक स्कैम के ऊपर बोला था 18 करोड़ का जो डोनेशन हुआ था एक उसके ऊपर बोला था आज वो दो बंदे हैं उन दो बंदों का लाइफस्टाइल आप पूरा देख सकते हो नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है जिस भाई ने मेरे वो देखा था वो समझदार है पूरा मैं किसके लिए कह रहा हूँ तो करेंगे इनका भी कोई सोल्यूशन धीरे धीरे क्योंकि धर्म के नाम पर खाना बिल्कुल भी ना पसंद है और ना अच्छा लगता है देखना कि कोई गलत कर रहा भी आप फिटनेस की टिप्स दे रहे हो बहुत अच्छी बात है बट हर चीज़ में उस धर्म को इन्वॉल्व मत करो वो भी बहुत गलत बात है तो निकल चुके हैं अपना भाई जिम के लिए अगर इस चीज़ के ऊपर बोलेंगे तो बहुत ही अलग वीडियो हो जाएगी एक तो अभी तक कुछ खाए नहीं है मैं सो के उठा था अपना 6:30 देन थोड़ा सा अपने जिम पे गया काम वाम करा फिर इनको भाई साहब को बुला लिया कि चलिए जिम चलते हैं ये भी अपने रॉकी भाई की तरह थोड़े कम बोलते हैं तो अभी कुछ खाएंगे आपको दिखाएंगे टाइगर भाई से बात हो चुकी है वो भी अपनी जॉब से निकल चुके हैं और मैं भी बीच दिल्ली में पहुंच चुका हूँ यहाँ से 25 से 30 मिनट में जिम पहुंच जाऊंगा बट उससे पहले कुछ खाएंगे देन देखते हैं आगे का चलो एक ये देखिए दिल्ली का ट्रैफिक पूरा तो भाई 2 बर्गर लिए हैं जीवन के सबसे महंगे बर्गर है मैं आपको बिल दिखाता हूँ भी पहले दिख रहा हूँ तुरंत ये देखो 578 के 2 बर्गर और अभी आ रहे हैं मतलब दिल्ली साइड जिम जा रहे थे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में घुस गए और अभी दिखाता हूँ आप लोगों को बर्गर तो ये रे भाइयों देख लो बर्गर सबसे महंगे हैं हमारे जीवन के और इनमें ना भूख भी ना मिटने की देखो ठीक है ये रे बर्गर तो लो जी भाइयों खा लिया बर्गर और जैसा उसका प्राइस था मतलब टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और वो हम मजाक कर रहे थे कि सबसे महंगा बर्गर एक मुझे याद आया एक कैफ़े और था दिल्ली में वहाँ पे खाया था वो बर्गर था शायद 1350-1400 रुपये का बट वो नॉन वेज था और ये वेज था तो चल रहे हैं हम अपना सीधा जिम टाइम 9 बज चुके हैं और टाइगर भाई की कॉल भी आ गई वो भी जिम पहुँच चुके हैं देखेंगे क्या वर्कआउट करेंगे भाई ने मुझे मना करा था कि सुबह ट्रेनिंग मत करियो बट मेरे दिमाग से स्किप हो गया सुबह मैंने लेग्स कर ली थी तो भी मैं ट्राई करूंगा या तो बैक करूं क्योंकि शोल्डर मैंने कल कर ली थी तो चलो देखते हैं इस तरफ यहां से पहले तो भाई आ चुके हैं अपना जिम आदि भाई यार अपने नई लुक दिखाओ एक बार ये करवाई कहीं कोई ना दिखा नहीं एक बार आप मेरी कसम हाथ दो नीचे करो क्या होली बना दिखाई थोड़ी टोपी ऊपर करो अब दिखाओ ये राउडी से लग गया किसने किसने सलाह दी तुम्हें किसी ने भाई गलती से होगी टाइगर भाई 8 साल बाद हुई भाई रिकॉर्ड करो हमारे भी
मैंने आदि भाई चार बार देखो, चार बार अच्छा लगा। मैं टेढ़ा होकर देखूं तो ऐसी रही हो, मैं ठीक है, मैं कुछ वैसे देख अब भी ना लगा अच्छा, मैं कटवा दे अब भी ना लगा अच्छा। ऐसी उम्र लग रही है कि चार पांच बालक का पापा आज ही कटवा दूंगा। टाइगर भाई में टाइगर लुक कैसी लगी? सच बिल्कुल अंकल वाली ना भाई। भाई गलती हो गई, लुक बताओ आदि भाई की गलती होगी भाई, हमसे कटवा दिया हमने। गलती होगी मुझसे, यू क्या कटवा दिया मैंने। कल मैंने एक मूवी में डायलॉग देखा, सकल अकल और नस्ल तीनों से चूर है। लेकिन आदित्य एक मजाक से हट गया, बेशक तू अपने ऊपर ही हंसा होगा, बहुत बुरा लगा। मैं जिंदगी में नहीं कटवाऊंगा। बकवास सभा का नाम पता क्या? भरतू। मैं ओढ़ लू यार, भाई भरतू आए हैं। चलो भाई भरतू आज भाई नितिन का है अपना तीसरा सेट, और तीसरे सेट में ही आप लोगों को पता ही है कि अगला गेनिंग कर रहा तो गेनिंग जैसा वेट ही मारेगा। तीसरे सेट में अपना 100 किलो चलो, और मारेंगे भी रैप ऐसे नहीं है, एक दो रैप मारेगा। चल जी 10 रैप मार, चल चबड़ा इजी, एक बढ़िया, दो तीन चार पाँच छ सात बढ़िया, आठ चल नौ दस बढ़िया, ग्यारह बारह। मैं आपको बता दूं अभी सिर्फ और सिर्फ डाइट पे है, आपको पता ही है प्रेप के बाद खत्म होकर डाइट पे कर रहे हैं, किसी तरह का एज सप्लीमेंट नहीं ले रहा विदा लाइक अ प्रोटीन के अलावा। क्या थोड़ा सा प्रोटीन ले लेता है, नॉर्मल प्रोटीन ले लेता है, जैसे कि आपको पता ही है डॉक्टर चॉइस प्रोटीन है, आफ्टर रिकवरी हमें बहुत जरूरी होती है, डॉक्टर चॉइस ले रहे ना तो वो बहुत जरूरी होता है। तो हम तो भैया क्रिएटिन ले रहे और अपना प्रोटीन ले रहे और कुछ ना ले रहे, ऐसे कि भैया हमें कुछ एक्स्ट्रा डाल रहे हो नहीं। चलो चलो भाई चलो भाई, नितिन की पावर का राज बताते हैं, हम नितिन क्या खाता है। चल तगड़ा ले, एक दो सुमसान गाली खाता है। घर वालों से अलग चल दी सी इसमें, ओ भाई भाई ओके चलो छोड़ दो छोड़ दिया, एक दो चल तीन चल चार चल पांच बढ़िया चल, ये तगड़ा शाबाश क्या बात है, नाइस। दो तीन चार पाँच छः और लास्ट वाली प्लेट है 15 किलो की, छः यानी कि 130 किलो की प्लेट बेटा, 20 से 25 चल तबड़ा मार लेते, चल चल जाओ, चल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60 किलो के बाद सेकंड सेट है ना। सो गाइस ट्रेनिंग हुई अपनी कंप्लीट और बहुत ज़बरदस्त वर्कआउट हुआ। जो मेरे पार्टनर थे उनसे आपको मिलाऊंगा, ये देखिए दिख रही है अभी, हाँ ये और उठ गई, चलो हाँ हड्डी है दबाने का नहीं। चलो सोहन जी पंकज जी कैसा लगा मेरे साथ ट्रेनिंग करके? बिल्कुल सच से रिव्यू कैसा लगा? बहुत ज्यादा मजा आया, मजा इसलिए किसी दिन टाइम निकाल के भैया का पास पहुंचेंगे। मेन जब भी वर्कआउट करो तो सीरियस वर्कआउट करो। हाँ हाँ आपको
भाई हमारे तो शुरू में ही निकाल दिया तुमने टेढ़ा कर दिया आज तुमने तो गलती आपकी थी नहीं वो मैंने सोचा तुम एक बार आ जाओ तो आप हमारे जिम का आ जाओ हां जब मेरा भाई लड़ाई लड़ाई चली और भाई आप क्या कहना चाहोगे मुझे तो कहना मेशी अच्छा लगा वर्कआउट कर रहा है क्योंकि मैं बताऊं आपको वर्कआउट सब लोग करते हैं नितिन वो वर्कआउट करता है कि आपका दिल खुश हो जाएगा मैं तो देखो करा रहा हूँ कई लोगों ने करा चुके हैं कई लोग कर भी चुके हैं इसके साथ उनको लगता होगा कि हाँ भाई मिला है कोई हमसे बड़ा इनके तो मैं जेबड़ा खोल देता है अगर ये बात गारंटी है देखो एक्सरसाइज का ख्याल अभी बहुत बची है बट ठीक है ओवर मार दिया हमने वेट भी ओवर मार दिया इतना बहुत है बट हाँ नितिन बहुत स्ट्रॉन्ग है ये तो खैर मैं क्या पूरी दुनिया ये बता मैं सोच रहा हूँ मैं वेट लिफ्टिंग कर लूँ थोड़ा सा वेट और अपना गेन करके ना ऑफ सीजन अगर वेट लिफ्टिंग करेंगे पावर लिफ्टिंग करेंगे ये सब चीजों से अलग है गेम अपना जो है उसकी तरफ फोकस करते हैं वरना पावर लिफ्टर भाई है वो अपना गेम की तरफ फोकस कर रहे हैं और जो वेट लिफ्टर है वो अपने कर रहे हैं तो वो भी ऐसे सोचेंगे कि बॉडी बिल्डिंग कर ले उनके लिए पॉसिबल नहीं हम सोचेंगे वो कर ले तो पॉसिबिलिटी नहीं है हाथ में देख रहे इंजरी तो इंजरी और बढ़ जाएगी अगर हम इस फील्ड से दूसरी फील्ड में जाएंगे तो ठीक है जिसमें हम अपना नाम कर रहे हैं उसमें करेंगे ये किस्मे भी और ये एल्बो भी है अभी तक ठीक ना हुई तो इसको कराओ ना ऑफ सीजन है भैया सुनो आपके पास समय है मात्र डेढ़ कोई ऑफ सीजन नहीं अगले महीने से हम डाइटिंग करेंगे सरपंच साहब बहुत आगे निकल चुके इन्हें अंदर लेके आएंगे चलो चलो सो गाइज ये थी अपनी ट्रेनिंग ट्रेनिंग भी कम्प्लीट हुई और अभी आपको पहले मैं टाइम दिखाता हूँ फिर सारी चीज बताता हूँ टाइम देखो पहले मतलब ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं पूरे घर पहुंचते पहुंचते 2 से 2:30 बज जाएंगे तो इतना टाइम कहाँ लगा टाइगर भाई के जिम पे चले गए वहाँ पे बैठ के बातचीत करते रहे कुछ भारी डिस्कशन हुई तो वो डिस्कशन करी और इस डिस्कशन में खाना पीना रह गया वर्कआउट बहुत अच्छा हुआ बट जो उसके बाद की डाइट थी वो स्किप होगी तो अभी सबसे मेन सब कुछ बंद पड़ा बिल्कुल देखो आप पूरा सब कुछ एकदम बंद और खाने का कुछ खुला है नहीं घर जाके देखेंगे क्या खाने को मिलेगा और घर जाके कैसी एंट्री हमें मिलेगी वो भी आप लोगों को दिखाएंगे तो चल रहे हैं हम अपना सीधा घर चलो तो लीजिए भाई आ चुके हैं घर क्या बन रहा है रात को खाने में टमाटर प्याज की चटनी है मुझे लगी अंडे फ्राई कर रहे हो तुम कितने टाइम हो रहे 2 बज रहे तो तुम्हारा मुझे तो चल रहा जाओ जल्दी खाना ले आओ हाँ भाई इसका है तो ये बन रहा भैया खाना वाह तो भाई ये अपने वर्कआउट के बाद का खाना आलू गोभी टमाटर प्याज की चटनी दही और रोटी ठीक है जी चलो